अब बच्चों अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्या होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है, डिस्टिंक्टली, क्लियर, मैग्नीफाइड, उसको मैग्नीफाइड करके दिखाता है ये, क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे बनता है ये कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट डबल कॉन्वेक्स लेंसेज, लेंसेज माउंटेड एट दी, माउंटेड यानी फिक्स करना है ना, फिक्स कर दिए जाते हैं एट दी टू एंड्स ऑफ होलो मेटालिक ट्यूब, ठीक है। दी लेंस, दो लेंस होते हैं, दी लेंस विच फेसेस, दी लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर, कम छोटा अपर्चर होता है, ठीक है, ये स्मॉल अपर्चर, शॉर्ट फोकल लेंथ है और शॉर्ट अपर्चर है, स्मॉल फोकल लेंथ है, स्मॉल अपर्चर है, अपर्चर विच फेसेस ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ओ द अदर लेंस विच the other lens of greater या large कह दो, बोली large focal length, large aperture, large मतलब बड़ा है, बहुत ही बड़ा नहीं है, large aperture which faces eye is called eyepiece, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं इसको। अभी बताते हैं क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कैन बी एडजस्टेड यूजिंग है ना, रैक, RACK, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अब मैं समझा देता हूं आपको कि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन बता देते हैं। देखें ये डायग्राम मत बनाना आप, जैसे एक होलो मेटलिक ट्यूब होती है, वैसे एक्चुअली में एक ट्यूब नहीं होती है, दो ट्यूब होती है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब और डाल दी जाती है, छोटी सी ट्यूब, ठीक है, थोड़ी सी छोटी होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती है, हल्की सी छोटी होती है वो, जो इसके अंदर चली जाए, ठीक है, यानी कहने का मतलब दो ट्यूब होती है पर दो ट्यूब मिलकर के एक ट्यूब का काम करते हैं, एक ट्यूब के एंड पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और दूसरी ट्यूब के एंड पे एक दूसरा डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इससे पहले जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है उसमें खाली एक ही डबल कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, यहाँ पे मान लो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा, ये डायग्राम नहीं बनाना है अभी आपको, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा ना, जो लेंस उसको आप नाम दोगे ऑब्जेक्टिव, क्या नाम दोगे, ऑब्जेक्टिव नाम दोगे, ठीक है, और दूसरा एक आपके आंख की तरफ होता है जिससे आप देखते हो, ये जो लेंस जो आपके आंख की तरफ होता है उसको आप कहते हो आईपीस, क्या कहते हो आप इसको, आईपीस कहते हो, ठीक है।
अब ये दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ। तो ये लेंथ आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, एक्चुअली आपको इमेज जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, कहाँ पे लाना होता है उस हिसाब से आप इनको दोनों के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग लगी हुई होती है, एक रिंग लगी हुई होती है। अब आप उस रिंग को घुमाओगे, आपने देखा होगा उस रिंग को घुमाओगे, ये ट्यूब जो है स्लाइड होकर के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब अंदर की तरफ चली जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। ट्यूब को इसको वापस घुमाओगे तो ये बाहर भी आ सकती है, ये ट्यूब बाहर निकलेगी। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसको घुमा के हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये जो दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंस की खासियत है भाई, जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होगा वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा होता है उसकी, सॉरी भाई, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो जो लेंस होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, छोटा होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है और वो छोटा होता है। और ये वाला जो लेंस है, हालांकि इस ट्यूब में मैंने ये थोड़ा छोटा दिखा दिया, बाकी ये लेंस जो होता है बड़ा होता है, ट्यूब को बोले उल्टा बना देना आप, ठीक है ना। ये वाला जो लेंस है आँख की तरफ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और ये छोटा होता है, यानी ये लेंस जो होगा ऑब्जेक्टिव वाला छोटा होगा और आईपीस वाला लेंस जो है वो बड़ा होगा। अभी हम मेन रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा, एक ट्यूब के एंड पे दो लेंस लगा दिए जाते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक जो लेंस छोटा होता है, फोकल लेंथ छोटी होती है, साइज़ भी छोटी होती है, अपर्चर वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको आप कहोगे ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो बड़ा लेंस होता है जो आपकी आँख की तरफ होता है उसको आप कहोगे आईपीस कहोगे, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप आराम से उसको रिंग को घुमा के एडजस्ट कर सकते हो, जिसको कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्लियर, ये इतना सा कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, अब अपन जो है अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दो केस करेंगे, एक बार इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाएंगे और एक बार इमेज को इन्फाइनेट पे बनाएंगे। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो ऑब्वियसली आपको पहले वाला सिंपल माइक्रोस्कोप एक बार वापस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ रफ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन, केस फर्स्ट में हम जो फाइनल इमेज बना रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहली सिचुएशन है जिसमें इमेज को हमें डी डिस्टेंस पे बनाना है, क्लियर, ये फर्स्ट सिचुएशन है। इस केस में जब आप इमेज ऑब्वियसली आपकी आंखों के बहुत नज़दीक होगी तो आई जो होगी वो स्ट्रेंड पोजीशन में होगी, जो आईज होगी ना आपकी आंखें, आईज वो स्ट्रेंड होगी, स्ट्रेंड खींची हुई तनी हुई होगी, है ना, स्ट्रेंड या स्ट्रेस्ड पोजिशन के अंदर होती है, एकदम रिलैक्स्ड नहीं होती है, क्लियर। अब इसका अपन ऑब्वियसली डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा प्रिंसिपल लिख लेना चाहिए। देखो प्रिंसिपल आपको तभी समझ में आएगा, मैं प्रिंसिपल और वर्किंग एक साथ मिक्स कर लेता हूँ भाई, ताकि ज़्यादा झंझट भी नहीं हो और बड़ा भी नहीं हो जाए, है ना। तो एक साथ मिक्स कर लेता हूँ मैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग। अब ये प्रिंसिपल एंड वर्किंग अभी तो मैं छाप रहा हूँ, ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, पर डायग्राम बनाते आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल और वर्किंग एक बार आप लिख लो ऐसे कैसे, दी ऑब्जेक्टिव forms एक सेकेंड when object और object का नाम है भाई ए बी, ठीक है, is placed beyond F naught, ठीक है, F naught और 2F naught के बीच में पड़ा होगा, पर F naught के पीछे होगा, ठीक है। F naught उसका पहले वाले लेंस का, जो पहला वाला लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल फोकस पॉइंट है, बियॉन्ड एफ नॉट देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इमेज क्लियर। ये इमेज बन गई और इस इमेज को मैं नाम दे दिया ए डेस बी डेस, ये तो अभी डायग्राम बनाऊंगा तब पता चलेगा, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखना, नाउ इफ दिस इमेज इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ई एंड फोकस एफ ई ऑफ आई पीस, किसका फोकस है आई पीस, देन द आई पीस विल फॉर्म
फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज को मैं नाम देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, विच विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो होगी होगी, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बड़ी भी हो जाएगी एंड वर्चुअल, ठीक है। लेट, ये मैं लाइन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, भाई दिख रहा होगा आपको शायद, लेट दिस फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज एट लीस्ट डिस्टेंस, कहाँ पे है लीस्ट डिस्टेंस, ये लिख लेना थोड़ा, ए डबल डैश बी डबल डैश इज एट लीस्ट डिस्टेंस, फाइनल इमेज क्लियर। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कैपिटल डी, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। अब इतनी सी है लैंग्वेज, ये तो ठीक है, मेरा बोर्ड में मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसलिए आपको बड़ी दिख रही है, अब इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, पूरे को ही हटा देता हूँ और अपन मेन जो है डायग्राम बनाएंगे भाई, रे डायग्राम, केस नंबर फर्स्ट चल रहा है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमारा एम में, ठीक है। तो ये मैं रफ कर लेता हूँ, तो अपन डायग्राम बना रहे हैं, देखो लैंग्वेज मन से लिखनी आपको है ना, एक बार समझ करके फिर मन से लिख लो आप, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देखना आप समझना इस डायग्राम को कैसे फॉर्मेशन करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, है ना, फिर बाद में आपको शॉर्ट बता देंगे कैसे क्या बनाना है, पर एक बार अपन सिस्टमेटिकली बना रहे हैं डायग्राम। ये एक छोटा लेंस है जिसको अपन कहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये दूसरा लेंस है ई आई पीस और ये है ओ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो लेंस होगा इसको तो नाम क्या दिया गया है भाई, ऑब्जेक्टिव, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं, इसको नाम है, नाम जरूर लिखना आप, ऑब्जेक्टिव। और दूसरे वाले लेंस को अपन क्या नाम दिए चुके हैं, आई पीस, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट है एफ नॉट और इधर की तरफ भी इसका फोकस पॉइंट होगा एफ नॉट, क्लियर। मैंने आपको ये लैंग्वेज में लिखाया है कि पहले डायग्राम देखना आपको है ना, बाद में बनाना है, कि जब ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस के पीछे रखते हो, थोड़ा नज़दीक ही रखना फोकस के, ठीक है, फोकस के नज़दीक रखना है ना, इतना 2F के पीछे नहीं जाना भाई, आपको F के नज़दीक ही होना चाहिए, F फोकस पॉइंट के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था शायद कि एफ नॉट, 2F नॉट के पीछे भी रख सकते हो, नहीं ऐसी गलती नहीं करनी, एफ नॉट के पास रखना चाहिए, बिल्कुल नज़दीक, हालांकि अंदर नहीं आएगा लेकिन पीछे की तरफ आएगा, बहुत नज़दीक आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है भाई ए बी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें देखना है, तो देखना आप कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक रे पैरेलल भेजेंगे और ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जाएगी ना, ये दोनों रे जो है भाई कहाँ मिल रही है, ये देखो ये यहाँ पर मिल रही है, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश बी डैश, ये मेरे इमेज बन गए भाई, बिल्कुल ईजी है, फर्स्ट वाले लेंस से इमेज बनाना कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। इस डिस्टेंस को आपको ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहोगे, और मैंने यू नॉट लिख लिया भाई, यू नॉट लिखेंगे, यू नॉट ओ इसका नाम है, यू ओ लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहते हैं, और इसकी इमेज कौन है, ये रही, इमेज के डिस्टेंस को आप क्या लिखते हो पता है, वी लिखते हो ना, वी, और ओ की इमेज, इसलिए वी नॉट लिख लेता हूं मैं, हो गया, निपट गया भाई। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये इसका यू है, तो इसको भी मैं यू कहूँगा, लेकिन ये ई का यू है, इसलिए इसको कहेंगे यू ई, क्या कहेंगे, यू ई कहेंगे, ठीक है। अब भाई इसकी इमेज वापस इस लेंस से बनानी है, तो अब इसका जो ये जो इमेज बनी ना ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस के अंदर होनी चाहिए, ये इसका फोकस, ये फोकस में बना देता हूँ एफ ई, ये एफ ई इसका फोकस है, ठीक है, और एक दूसरा फोकस पॉइंट इधर होगा दूर, भले इसको नहीं दिखाओगे तो चलेगा आपको, क्लियर। तो मुझे इमेज बनानी, अब देख लो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर है, और आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा है। तो ये तो फोकस के अंदर आ गया भाई, इसके फोकस के अंदर आ गया ही, इस लेंस का फोकस है उसके अंदर आ गया, इसको एफ को आप बाद में ही बनाना, पहले ये बना दो आप, फिर पीछे थोड़ा एफ लिख लो आप, ठीक है। तो अब देखना एक रे भेज रहा हूँ मैं पैरेलल, पैरेलल रे जा रही है, जो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी इसके, और एक मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजूँगा,
इस रे को इधर बढ़ा दो आप, इस रे को इधर बढ़ा दो, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहीं करवानी है आपको इंटरसेप्ट ज़बरदस्ती, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और भाई इसको इससे ज्वाइन करते ही मेरे ये ऐसे कैसे डायग्राम बनाना है ना, स्केल से बनाना, आप मेरे पास स्केल है नहीं, ये जो रे जा रही है इसको आप आगे बढ़ा देना, ठीक है। और इसको मैंने कर ही लिया है, ये दोनों मिल रही है, इसकी ये इमेज है, इसको मैं कहूँगा वी ई कहूँगा क्योंकि ये इसकी इमेज है, ठीक है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था और इसके लिए ये जो है इमेज है, इसको मैंने वी ई नाम दे दिया। अब ये जो वी जो इमेज बनी है, ये फाइनल इमेज जो बनी है, ये मेरे कौन सा केस है, फर्स्ट केस है जिसमें ये इमेज कहाँ पे है, लिस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, इस पॉइंट ए डैश को थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि बीच में नहीं आए, डिस्टर्ब नहीं करें ये, ठीक है। ये आपके सामने पूरा डायग्राम है, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप देख लें, कोई होना तो चाहिए नहीं। मुझे इस ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज बनाई, फिर इस इमेज की वापस इमेज इधर बनी है, मैंने एक रे पैरल भेजी जो इसके फोकस से जा रही है और एक रे ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये हो सकता है आपके बाहर भी मिल जाए, आप अगर बनाओगे तो ये हो सकता है बाहर मिल जाए, पर बाहर नहीं मिला, नहीं आपको यही बनानी है ताकि आपका डेरिवेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपको एक बार जैसे ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा तो फिर मैं एक बार शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये ऐसे डायग्राम बना दो आप, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हमें रूल्स तोड़ने पड़ेंगे, उल्टा चलना पड़ेगा, है ना, वो बात की बात है। अब भाई देखो मेरी ये इमेज पड़ी है, फाइनल इमेज ये है, इमेज और हमारी आँख होगी ई पे, कहाँ पे होगी, ई के ऊपर हमारी आई होगी, ये रेंज आ रही है ना, हम आई इधर से देखेंगे पर इसके ऊपर रखेंगे आई आँख, तो यहाँ पे आप आँख रखोगे तो ये फाइनल इमेज आपकी आई पे जो एंगल बनाती है उसको आप क्या कहते हो, बीटा। और अल्फा किसका एंगल होता है, पिछले डेरिवेशन में बात कर चुके हैं ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, लीस्ट डिस्टेंस पे, ये बताया है आपको कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, तो ऑब्जेक्ट जो वहाँ पड़ा है इसको उठा करके लीस्ट डिस्टेंस रखो, कहाँ है लीस्ट डिस्टेंस भाई, ये तो है लीस्ट डिस्टेंस, ई से ये लीस्ट डिस्टेंस कहाँ है, यही तो है, तो उस ऑब्जेक्ट को भी काट के यहीं पे रखना है। और मैंने आपको बताया है कि भाई दोनों एक ही जगह आ जाएंगे लीस्ट डिस्टेंस के केस में, ये आ गया। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, ये जो इमेज बनी फाइनल इमेज, इसको मैं ऑलरेडी वर्किंग में लिखवा चुका हूँ ए डैश बी डैश, ठीक है। इस पॉइंट को ऊपर वाले को मैं पी नाम दे देता हूँ, इसको जस्ट कट करके यहाँ लगा दिया और ये हमारी आँख ई पे है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको आप कहोगे अल्फा, हो गया काम खत्म, बस डेरिवेशन कंप्लीट, मतलब डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये एक ट्रायंगल लेंगे अपन ई ए डैश पी, इससे अल्फा आ जाएगा, और नीचे वाला एक ट्रायंगल और लेंगे जिससे अपने बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब भाई अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। एक ये ट्रायंगल लेंगे बीटा वाला, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे वाला ये, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें दोनों में ये कॉमन साइड हो जाएगी, तो अल्फा और बीटा आ जाएंगे, फिर तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैग्नीफाइंग पावर का, डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस करना आप, क्वेश्चन थोड़ा माइंड में लाने की कोशिश करना कि कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे अपन। मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा नाम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी है। ये डेफिनेशन वही चिपकानी है आपको जो पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में लिख चुका हूँ मैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, आंख पे जो एंगल बन रहा है, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट, कहाँ पे रखे हैं दोनों, लीस्ट डिस्टेंस पे, बस यही तो करना है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय फाइनल इमेज यानी बीटा टू द एंगल सब्टेंडेड बाय बाय ऑब्जेक्ट यानी अल्फा एट आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इतनी ईजी डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है भाई, समझना इसको। देखो बहुत मेहनत से समझाया जा रहा है आपको, कोई घास नहीं काटी जा रही है, कहीं कोई देखो जो भी मुझे लगता है ये डाउट्स स्टूडेंट के माइंड में आ सकते हैं उन सबको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, टफ लगेगा आपको, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ईजी लगेगा, बिल्कुल लल्लू पंजू लग जाएगा ना आप कर लोगे, नहीं, थोड़ा टफ लगेगा आपको नई चीज़ें, लेकिन ऐसा भी टफ नहीं लगेगा समझ नहीं पाओ, टफ तो उसको कहते हैं जो बिल्कुल समझ भी नहीं आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, हर्डल्स आएगी, पर इतनी भी नहीं आएगी कि आप तो बिल्कुल हाथ ही झटक दो, है ना, ठीक है। तो यानी इधर से मैं रफ कर रहा हूँ भाई, डायग्राम जरूर बनाना आप, मेरे बार बार इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी,
यानी ये कहना ये चाह रहा है m का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा, और इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर ही रहा हूँ, मुझे अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो पहले ट्रायंगल लेंगे अपन, ऊपर वाला ट्रायंगल है ई ए डबल डैस पी, इससे टेन अल्फा बताओ क्या होगा, और टेन अल्फा को आपको अल्फा लिख लेना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये रहा ए डबल डैस पी, और ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है ई ए डबल डैस, इसको आप अल्फा लिख लो। और ए डबल डैस पी किसके बराबर है, ए डबल डैस पी ए बी के बराबर है, ये ए बी ई ए डबल डैस। इक्वेशन नंबर कितना दे देते हैं इसको, 2 दे देते हैं ना, अल्फा तो आ गया निपट गया, नीचे वाला ट्रायंगल लो बीटा आ जाएगा, ई ए डबल डैस बी डबल डैस, इससे टेन बीटा निकाल रहा हूँ मैं, और टेन बीटा जो होगा उसको आप बीटा लिख सकते हो। तो टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ए डबल डैस बी डबल डैस, और ये ई ए डबल डैस, ठीक है। ये भाई टेन बीटा भी आ गया, बीटा आ गया। अल्फा और बीटा कहाँ रखने हैं, वन में रखने हैं, बस पुटिंग इन वन। बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, क्या है ए डबल डैस बी डबल डैस ई ए डबल डैस, ये बीटा। और अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू ये पड़ी ए बी और ई ए डबल डैश, ठीक है। ई ए डबल डैस ई डबल डैस कट गया, ये मेरे पास चीज़ रह गई है, अब मुझे लैंग्वेज ये रफ करनी पड़ेगी, ठीक है। डायग्राम भी हटा नहीं सकते भाई, मजबूरी अपनी। एम इक्वल टू ए डबल डैस बी डबल डैस अपॉन ए बी। अब भाई यहाँ आप अटकोगे, अटक गए यहाँ पे अपन, ठीक है, श्योर है यहाँ पे तो अटकना अटकना है ही आपको। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक शुरू होगी, थोड़ा सा मतलब यूँ कह दो कि थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ आप अटकोगे तो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, मेरे स्टार का मतलब है कि यहाँ आपको अटकना है, ठीक है, अटक गए अपन। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मेरे को एक नया काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ये जो ए बी लिखा हुआ ना, ए बी दिख रहा है ए बी, और ये ए डबल डैस बी डबल डैस, इनको थोड़ा साइड में सरका देता हूँ, दोनों अलग अलग साइड में सरका दिया है ना, है तो वही है, वो ऊपर है ये नीचे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये बीच वाला था ना ए डबल ए डैस बी डैस, ये वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इसको मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर नीचे मन से मल्टीप्लाई करूँगा ए डैस बी डैस ए डैस बी डैस से ऊपर नीचे। ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है, तो भाई इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि ये पहले वाले लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालो, लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा ना हमने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो पहले वाले लेंस की इमेज के इमेज कौन है भाई, पहले वाले लेंस की इमेज है ए डैस बी डैस, ये इमेज है ए डैस बी डैस की, इमेज की हाइट है ए डैस बी डैस, और इस पहले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है ए बी। तो फर्स्ट वाले लेंस का अगर आपको एक लीनियर मैग्नीफिकेशन बताओ तो आप यही तो कहोगे ए डैस बी डैस अपॉन ए बी, इसकी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये फर्स्ट वाले लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन है, इसको आप लिखो एम नॉट, इट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा मैं कहूँ इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन बताओ भाई, इसकी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करो, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इसने कौन सी इमेज बनाई, लास्ट कौन सी इमेज बनाई, ए डबल डैस बी डबल डैस, तो इमेज की हाइट होगी ए डबल डैस बी डबल डैस। और इसका लिए ऑब्जेक्ट कौन था, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये था ना ए डैस बी डैस, तो इसका ऑब्जेक्ट ये था ए डैस बी डैस, क्लियर। तो ये जो सेकंड टर्म आ रही है देखो ये आ रही है ए डबल डैस बी डबल डैस अपॉन ए डैस बी डैस, यानी ये जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेकंड वाले लेंस का, इसलिए ये जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन है सेकंड लेंस का। इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 4। देखो ये जो 4 आया इक्वेशन ये, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लूँ आपको, तो एम इक्वल टू इसको लिख लिया एम नॉट और इसको लिख लिया एम ई, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा आया 4। भाई कुछ न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन 4 काम आएगा, हालांकि अभी हमारा फॉर्मूला डेराइव नहीं हुआ है, हमें तो एम नॉट और एम ई निकालने, बट ये कुछ न्यूमेरिकल के अंदर एक न्यूमेरिकल करवाया जाएगा आपको जहाँ पे इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इग्नोरेबल नहीं है ये फॉर्मूला, ये भी काम आएगा। अब आप समझ गए मेरे ख्याल से, ये इसकी ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज है, इसलिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट जो है ये इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया। इसकी इमेज है ए डबल डैस बी डबल डैस और इसका ऑब्जेक्ट है ए डैस बी डैस, तो ये इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया स्मॉल एम। और कैपिटल एम तो कौन सा मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगल का रेशियो। मैं ये रफ कर रहा हूँ भैया। अब मेरे को निकालना एक एम नॉट और एक एम ई।
सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा टू फाइंड एम नॉट, टू फाइंड एम नॉट। तो एम नॉट क्या है भाई? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑफ ऑब्जेक्टिव एम नॉट। अब आपको भाई एक तो एम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि आई अपॉन ओ होता है, उसके बेस पे मैंने ये लिखा, पर एक एम का फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा है लेंस में, वी बाई यू, अरे पढ़ा ना वी बाई यू, तो ये भी हमारे पढ़ा हुआ है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें बदलने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो एम नॉट जो है, इस एम नॉट की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो एम का फॉर्मूला होगा वी अपॉन यू। अब फर्स्ट वाला जो लेंस है इसके लिए वी कौन है, इसकी इमेज कौन है भाई? इसकी इमेज ये रही ए डैश बी डैश, और इसकी डिस्टेंस को मैं ऑलरेडी ऊपर वी नॉट लिख चुका हूँ, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है ये रहा, और इसके डिस्टेंस को यू नॉट लिख चुके हैं। यानी एम का फॉर्मूला वी बाई यू होता ही है, और सेकंड फर्स्ट वाले लेंस के लिए ये वी नॉट हो जाएगा, ये यू नॉट हो जाएगा। वी नॉट आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये वी नॉट है, ये इसकी इमेज ये रही, तो इसकी डिस्टेंस को मैंने ऊपर वी नॉट कहा हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट ये है यू नॉट कहा हुआ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहना है, इमेज की डिस्टेंस को वी कहना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू विद साइन नहीं है भाई, साइन के साथ रखनी पड़ेगी आपको। तो आपको पता है यू तो नेगेटिव होता है, तो मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, यू तो नेगेटिव होगा माइनस का यू नॉट, और वी इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इसलिए वी पॉजिटिव होगा, ये प्लस का है ना। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता है, ये लो एम नॉट तो आ गया। मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ भाई माइनस को, एक बार साइन कन्वेंशन यूज़ कर दिया, प्लस माइनस माइनस बन गया, इसको मैं ऊपर ही लिख सकता हूँ। कई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो माइनस नीचे था ना, आपने ऊपर कैसे लिख लिया? बेसिक मैथ्स की कमजोरी है, उनको मैथ्स पता ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे फिर ऐसे चीज़ों में वो उलझ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तब आता है जब हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझते हैं, अपन फिर अपन खुद ही अपने सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों वाली हरकतें होनी नहीं चाहिए, ऐसे डाउट्स माइंड में आने भी नहीं चाहिए, दूर दूर तक, शर्म की बात है, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर के ये माइनस हो गया, अब इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो बीच में लिखो आपकी मर्जी। अब सेकेंड एम ई निकालना भाई, ये देखो भाई एम ई, टू फाइंड एम ई, ये एम ई निकालने का मतलब है पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन करना, पिछला वाला आप देखना। सिंपल माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन में मैंने ये कहा है आपको कि पूरा पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और यही बात यहाँ पे हो गई भाई। अब मुझे पूरा ये जो इसका जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ ना, ये पूरा एज इट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप की कॉपी है, यानी मैन माइक्रोस्कोप का काम यही कर रहा है, यही इमेज को बड़ा कर रहा है। इसलिए ये लेंस जो है वो माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था हमने। तो देखना, तो एम ई जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो लिखो भी एम ई का फॉर्मूला, तो ये भी वी अपॉन यू होगा, वी ई हो जाएगा, यू ई हो जाएगा, हो जाएगा ऑब्वियसली हो जाएगा, वी ई कितना देखो। अब आप ये भी आपको पता है ये सारी चीज़ें इधर है इसके लिए, इसलिए सब नेगेटिव हो गए। तो वी ई की जगह मैं लिख रहा हूँ डी, लेकिन मुझे कैसा लिखना चाहिए, माइनस का डी, और यू भी इधर ही देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट था इसके लिए यू ई, ये रहा, तो ये भी मुझे यू ई जो है माइनस का लिखना, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आप देखना भाई सिंपल माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन की स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, जैसे मैंने एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा किया था और वैल्यू रखी थी, तो डी अपॉन यू आया था, देखना आप सिंपल माइक्रोस्कोप में, और डी अपॉन यू आया था, तो फिर मैंने कहा अब हमें यू निकालना है, और लेंस फार्मूला लगाया था हमने, और यहाँ पर भी हमें यू ई निकालना है, तो मैं लेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लेंस फार्मूला फॉर आईपीस, ठीक है, यहाँ रफ कर लेता हूँ मैं भाई। लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, या यू लिख लूँ भाई मैं, आपको ये आदत है तो ये लिख लो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। अब मैं आई पीस के लिए लगा रहा हूँ, तो एफ ई रहेगा नाम, या यू ई रहेगा और वी ई रहेगा, क्योंकि मैं ये लेंस फार्मूला आई पीस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब वैल्यू रखनी है इसमें, और जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में रखा था वैसे वैसे विद साइन रखनी है। हियर यू ई का साइन नेगेटिव लेना है, माइनस वी ई जो है, वी ई तो डी के इक्वल है और वो भी नेगेटिव, माइनस डी, और फोकल लेंथ भाई कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए एफ ई प्लस का आएगा। तो ये सब यहाँ पुटअप करो भाई, पुटअप करो ये चीज़ भाई। मैं देखो एम नॉट निकाल चुका हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो जो कैपिटल एम का फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 4, मुझे उस इक्वेशन नंबर 4 में रखना पड़ेगा। 4 नंबर आप दिमाग में रखना, 4 में एक तो 5 की वैल्यू रखेंगे, एम नॉट तो आ गया, अब एम ई निकालने में पूरी माथा पच्ची करनी पड़ रही है अपन को, ठीक है। तो मैं ये रफ कर लेता हूँ भैया,
वन अपॉन ये जो फॉर्मूला था वन अपॉन वी, ये देखो लिखा हुआ मेरे को तो दिख ही रहा अभी भी, ये इसमें वैल्यू रख रहा हूँ वी ई की वैल्यू, वी ई की जगह तो रखना माइनस डी, ये लो वन अपॉन माइनस डी, माइनस यू ई की जगह रखना माइनस का यू ई, ये लो माइनस का यू ई, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है वन अपॉन एफ ई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या किया था, डी से मल्टीप्लाई किया था डी से, क्योंकि डी बाई यू निकालना है, करो डी से मल्टीप्लाई, डी अपॉन माइनस डी, डी अपॉन यू ई और डी अपॉन एफ ई, ये डी से डी कट के वन हो गया और आगे माइनस रखा है माइनस वन, माइनस वन उधर भेज दो, सेम वही फॉर्मूला आया सिंपल माइक्रोस्कोप में, बस यहाँ ई लगा हुआ है बस, ठीक है। और ये डी अपॉन यू ई आ गया, और ये डी अपॉन यू ई हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स था, पुटिंग इन सिक्स, देखो आप अपनी कॉपी में देखो, लिखते रहना साथ साथ। तो पुटिंग सिक्स, सिक्स था एम ई, और एम ई का फॉर्मूला था डी अपॉन यू ई, देखना सिक्स में लिखा हुआ था, और डी अपॉन यू ई की जगह कितना आ गया वन प्लस डी अपॉन एफ ई, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेवन, तो एम ई भी आ गया मेरे पास और एम नॉट भी आ गया। अब एम नॉट और एम ई कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर फोर में, कैपिटल एम में रखना है। अब अपन लिखेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशंस, एक तो हमारे रखना है फाइव नंबर एंड सेवन इन इक्वेशन नंबर फोर, फोर में रखना है। फोर क्या था पता है, फोर ये था भाई एम नॉट इंटू एम ई, मैं रख रहा हूँ बस, आ गया आंसर। एम नॉट कितना है देखो, एम नॉट, एम नॉट, एम नॉट भाई मेरे तो साफ कर दिया है, आपके लिखा हुआ होगा इक्वेशन नंबर फाइव में लिखा हुआ है एम नॉट, एम नॉट लिखा हुआ है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई, और एम ई, एम ई ये रहा आपके सामने वन प्लस डी अपॉन एफ ई, इक्वेशन नंबर एट कह देते हैं इसको, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर एट है, क्लियर। तो ये हमारे आंसर आ गया है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस ये हो गया, रामायण खत्म हो गई पूरी। अब मैं ये कह रहा था, ये तो चलो कंप्लीट हो गया, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, लेंथ, ये लेंथ चलो मैं बाद में लिखूंगा, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो हालांकि ये वाला नीचे वाला जो अभी मैं लिखा रहा हूँ वो जनरली इतना काम नहीं आएगा भाई एग्जाम में भी, फॉर्मूला तो मैन यही आपको एग्जाम में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी, और अगर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए राइट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेगी, मेथड होगा उसके स्टेप्स बताए जाएंगे आपको, बट यहाँ पे अंदर जो है डी एफ की वैल्यू वो विदाउट साइन रखनी है आपको, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखो ये ट्यूब की जो लेंथ है ना, मुझे यूँ बताओ, चलो एक बार ये लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब कितनी लंबी होती है भाई, ट्यूब की लेंथ का मतलब दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, और दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस जो है ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो है वी नॉट और ये यू ई, यानी वी नॉट, ये मॉड्यूलस लगा रहा हूँ भाई क्योंकि ये कोई अगर नेगेटिव में आए तो भी लेंथ निकालते टाइम नेगेटिव साइन काम में नहीं आएगा, ध्यान रखना दोनों को पॉजिटिव में ऐड करना है। तो लेंथ ये देखो न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन यू ई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यू ई जो होता है ना, यू ई ये यू ई बहुत कम होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली लेंथ की वैल्यू जो है वो यू वी नॉट के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है वी नॉट के इक्वल, ये वी नॉट के इक्वल होता है, ये बहुत कम होता है, हटा दो इसको, ठीक है। हालांकि ये मेन चीज़ है, न्यूमेरिकल में यही काम आएगा, ये कोई काम नहीं आएगा, पर मैं बता रहा हूँ एक दूसरा फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वी नॉट अप्रोक्सीमेटली एल जो है वो वी नॉट के बराबर होता है, और यू नॉट जो है ना, यू नॉट ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये फोकस के बहुत नज़दीक रखा हुआ है, तो ये यू नॉट जो है इसके फोकल लेंथ के इक्वल होता है, ये फोकल लेंथ है एफ नॉट और वो यू नॉट है, तो यू नॉट भी जो है अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट के बराबर होता है। देन ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा भाई, फ्रॉम नाइन माइनस वी नॉट की जगह आप एल रख दो और इसकी जगह एफ नॉट रख दो, वन प्लस डी बाई एफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में ये भी काम आ जाए, पर हमारे कॉन्सेप्ट में काम जरूर आएगा ये फार्मूला, बाकी तो मेन फार्मूला इन न्यूमेरिकल्स जो है ये ही आएगा और अपन इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ गया, ट्यूब की लेंथ का फार्मूला है वी नॉट प्लस यू ई, यू ई आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आई पी एस के लिए फार्मूला लगा कर उसके स्टेप्स बताए जाएंगे, हालांकि मैं चाहूँ तो यू ई निकाल करके डायरेक्ट एक फार्मूला बना दूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं रटना है अपन को, अपन को तो भाई पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे निकालनी वैल्यू, ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस नंबर फर्स्ट का डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया है। ये लेंथ के बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो इसलिए आप इसको दिमाग में रख लें, फिर बार बार मेरे से वापस डायग्राम नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको फॉर्मूले को माइंड में रख दें और इसको माइंड में रख दें, ये दो फॉर्मूले हमारी जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखो, हम ये लिखें ये लिखें, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। जब राइट दी एक्सप्रेशन आए तब ये लिखो ये लिखो, डेराइव में तो भाई पूरा करना ही पड़ेगा आपको। अब मैं केस नंबर सेकंड करूं, उससे पहले मैं आपको एक बार ये डायग्राम बनाने में बता देता हूं, डायग्राम कैसे बनाना, एक बार वापस बना देते हैं। ये हो सकता है किसी स्टूडेंट के बाहर आ जाए, डायग्राम बनाएंगे तब ये लाइनें जो मिल रही है वो बहुत दूर जाके मिल जाए, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, आप उसको देखना, थोड़ा प्रैक्टिस में लाना, ये रफ कर देता हूं। देखिए ये हमारा छोटा वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव, ये एफ नॉट, ये ऑब्जेक्टिव, ये एफ नॉट, और ये जो मैंने रखा है एक ऑब्जेक्ट को वो इसके नज़दीक ही है ए बी। पहले फर्स्ट डायग्राम बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एक रे भेजनी है, एक रे ही। अब मैं ये सजेस्ट कर देता हूँ इसको, ये जो अभी इमेज बनाओगे आप वो जितनी ज़्यादा दूर होगी बेटर रहेगा आपके लिए, इसको दूर करो, आप कितना दूर कर सकते हो। वैसे भी आपके जो बोर्ड की कॉपी होती है वो तो ऐसे लैंडस्केप मोड में आती है, लंबी कॉपी आती है, तो डायग्राम बनाओ आप। तो इसको मैं आगे तक ले लेता हूँ, बस ये हमें करना है स्केल से, इसको जितना ये दूर जा रहा है बहुत अच्छी बात है ना, दूर जाएगा तो बड़ा भी होता रहेगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने देना है इसको। मेरे ये यहाँ मिल गया भाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश बी डैश, और इसके जस्ट पास में आप आई पीस का फोकस पॉइंट लिख लो एफ ई, और इसी के नज़दीक आप बड़ा सा लेंस बना दो, कोई इशू नहीं इसमें, ये बनाने में कहाँ प्रॉब्लम है, बड़ा लेंस बना दो भाई, ठीक है। लेंस बना दिया मैंने, ये आईपीएस लेंस है, आईपीएस जो है इससे थोड़ा बड़ा, ये जो इमेज बने इससे बड़ा होना चाहिए आईपीएस, ये आईपीएस लेंस बना दिया। अब देखो आपको अभी जो मैंने डायग्राम बनवाया उसमें ये तो पता चल गया इमेज इधर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इधर बनेगी तो आपके हो सकता है ज़्यादा बाहर मिल रही थी, इसलिए आप है ना आप सारे नियम कायदे सारे ताक पर रख दो, भूल जाओ नियम कायदे, और आप तो पहले इमेज बना दो। ये देखो इमेज बना दी मैंने, ये तो कर सकते हो ना, फर्जीवाड़ा तो करना ही करना पड़ेगा अपन को, तो ये लो मैंने ये पहले इमेज बना दी, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैंने पहले इसका ठिकाना इसको रोक दिया, मैंने इसी जगह पे मेरे को इमेज बनानी है, ये मैंने बना दिया और फाइनल इमेज को नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना ये एक सीध में आने चाहिए, बस ये एक सीध में आने चाहिए भाई, ठीक है, ये एक सीध में होने चाहिए, क्लियर। अगर हाँ ये भी कर सकते हो आप, अगर ऐसे भी कर सकते हो, इसको हटा देता हूँ मैं, ये भी कर सकते हो आप, आपको एक सीध वाली प्रॉब्लम आए तो इससे पहले एक लाइन खींच लो, इसको मिलाकर सीध मिला दो, और जित आप लगे भाई यहाँ तक पहुँच रहे हो, आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो ये लाइन खींच लो, ये लो ये लाइन खींच ली मैंने, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हो ना। दूसरा आपका काम बिल्कुल ईजी, आपको ये पता होगा कि भाई एक रे मेरे को इससे एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी थी, और एक रे मुझे पैरल वाली भेजनी है, तो पैरल वाली जो ये रे है वो भी ये इसी की सीध में ये मिला दो यूँ, ये देखो ये पैरल वाली रे है ना, ये इसी की सीध में मिला दो और ये इसके फोकस से जाएगी, अब जहाँ जाए वहाँ उसी को नाम दे दो फोकस, क्लियर भाई। पहले ये बना दो आप, ये वाली जो रे है इसको आप मिला दो यहाँ पे, ये ड्रॉ कर दो, और आपको पता ही होगा कि एक रे पैरल वाली जो रे है उसको भी ऐसे मोड़ना है कि वो इसी के ऊपर जा करके मिले, तो आप ऐसे भी ग्रे ड्रॉ कर दो आप। तो ये जो दोनों रे हैं इनको देखो पीछे बढ़ा दिए, यहीं पर मिल रही है, और इसको आप नाम दे दो ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यू नॉट, और इसकी जो इमेज बनी थी ये रही ए डैश बी डैश, ये जितना दूर होगा बेटर रहेगा, और ये इसके लिए इमेज थी तो इसको यू ई कह दिया मैंने, ठीक है, कहीं अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डायग्राम में। इसको मैंने ये जो बनी थी इसी से यहाँ एक लाइन खींच के यहीं पर खींच लिया मैंने, ठीक है, तो बन गई बस, ये हो गया कंप्लीट, और ये सारा कंप्लीट हो गया, इसमें अब कोई है ही नहीं प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको काट के यहाँ पे रख दो, पी नाम दे दो, और ये एंगल ऊपर वाला है अल्फा और ये नीचे वाला एंगल तो ऑलरेडी बीटा है ही है, ये डायग्राम आपके कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको डायग्राम बनाना, अगर कन्फ्यूज हो रहे हो आप अटक रहे हो नहीं बना पा रहे हो, इस तरीके से आप पहले फाइनल इमेज बना देना, ठीक है। तो अब मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं केस नंबर सेकंड कर रहा हूँ, हमारे दो केस होंगे जिसमें एक बार इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी और एक बार इन्फाइनेट पे, तो केस नंबर सेकंड कर रहा हूँ। केस नंबर सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इसको इस केस को आप कहते हो नॉर्मल एडजस्टमेंट,
नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इस केस के अंदर अपना हमारी आई जो है रिलैक्स्ड रहती है, आईज जो है वो रिलैक्स्ड रहती है, रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड अपन इमेज, अब फाइनल इमेज जो बनी थी ए डबल डैश बी डबल डैश, उसको इन्फाइनाइट पे ले जाना है। तो कैसे ले जाओगे, थोड़ा मैं ये फटाफट कर लेता हूँ। एग्जाम में जनरली फर्स्ट केस ही आता है एग्जाम के अंदर, और सेकंड केस भी आए तो आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो, दो हालांकि आते हैं तो दोनों है, पर ज़्यादातर जो है फर्स्ट केस आता है, ठीक है। तो अपन ये थोड़ा सा मैं वर्किंग एंड प्रिंसिपल लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाले लेंस के लिए तो बिल्कुल सेम है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड एफ नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव देन इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, अब देखो ये जो इमेज है, ये पहले वाले लेंस ने ए बी की इमेज ए डैश बी डैश पे लेके चले गए, अब इस ए डैश बी डैश की जो वापस इमेज बनेगी वो इन्फाइनिट पे भेजनी है, तो फिर ये कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए, बस इतना सा है, और उसमें फोकस पे नहीं था, वो फोकस और उसके बीच में था, ठीक है ना। नाउ इफ दिस इमेज ए डैश बी डैश इज एट फोकस ऑफ आई पीस FE, then the final image will be at infinity and highly magnified, highly, ठीक है, clear। तो अब डायग्राम बनाते हैं, देखना डायग्राम में ज्यादा इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये फर्स्ट लेंस है ऑब्जेक्टिव, और ये मेरे पास सेकंड लेंस है, ठीक है। इसमें तो भाई ज़्यादा ये डायग्राम ये बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये फोकस है एफ नॉट और इधर इसका फोकस है एफ नॉट, और ये नज़दीक रखा है मैंने एक ऑब्जेक्ट को ए बी, एक रे पैरेलल भेजनी है जो फोकस से जाएगी और एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों जो है ये यहाँ मिल रही है, और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ ए डैश बी डैश, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये जो ए डैश बी डैश जो इमेज बनी है ये यहाँ पर इसका आई पी इसका फोकस बना दो आप बस। तो अब ये आई पी एस के फोकस पे, तो आई पी एस इसको कहाँ ले जाएगा, इन्फाइनेट पे। कैसे ले जाएंगे देखना, एक रे पैरेलल भेजेंगे और इसका फोकस यहाँ पे इतना कितना दूर यहाँ बना दो, एक और फोकस एफ ई, और ये यहाँ से जाएगी फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। थोड़ा सही बनाना भाई मेरे, तो क्या है ये एक रे जो होगी वो ई से भेजनी है, ये लो ई से जा रही है, ठीक है, और एक रे इसके फोकस से, आप पहले पैरेलल कर दो इस रे के पैरेलल, ये पैरेलल दोनों रे जा रही है, और ये जो होगा ये फोकस होगा आईपीएस का, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल रे कहाँ मिलेगी, हमारे आँख है इधर, हमारे आँख है हम देख रहे हैं, तो इसको पीछे बढ़ाओ आप, तो ये तो रे कहाँ मिलती हुई दिखेगी आपको, इन्फाइनेट पर। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फाइनेट पर। फर्स्ट वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको नाम दे दो यू नॉट, इसने जो इमेज बनाई ये यहाँ पर बनाई इसको नाम दे दो वी नॉट, और ये जो डिस्टेंस है इससे इसकी इसको आप यू ई कहते हो, बट यहाँ पर यू ई किसके बराबर है पता है, इसके फोकस के बराबर, एफ ई के बराबर है, एफ ई, ये एफ ई जगह छोटी है भाई, यू ई इक्वल टू एफ ई, ठीक है, यू ई इक्वल टू एफ ई। और फाइनल इमेज जो चली गई वो कहाँ पे चली गई, इन्फाइनेट पे। फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है उसको अपन क्या कहेंगे, बीटा, और ऑब्जेक्ट के एंगल को कहते हैं अल्फा। अब ऑब्जेक्ट को तो फिक्स है भाई, इसमें कहाँ पे लाके रखना है, लीस्ट डिस्टेंस पे, ये एफ ई बीच में आ रहा है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लूँ भाई, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मैंने छोटा बना दिया, इसको यहाँ कट करके यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ कट करके इस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे पहले भी तो रखा था आपने, इसको नाम दे दो ए डबल डैश पी, और ए डबल डैश पी, और ये हमारे आँख पे जो एंगल बना रहा है उसको कहेंगे अल्फा। आप इतना छोटा मत बनाना, आप तो बड़ा बनाना डायग्राम पूरा, मेरे तो ये जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ कंजेस्टेड कर दिया इसको। अब भाई ये ऑब्जेक्ट रख दिया लीस्ट डिस्टेंस पे, इसको ध्यान रखें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, कितनी है ये डी डिस्टेंस है, ये डी जो एफ ई पेंसिल से लेबल करें आप आराम से, है ना। तो ये डी डिस्टेंस पे मैंने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया ए डैश पी पी को, और ये हमारे आँख पे एंगल बना रहा है अल्फा, और ये रे जो इन्फाइनेटली जा रही है ये हमारे आँख पे एंगल बना रही है बीटा। तो अब मुझे अल्फा और बीटा निकालने, बस यही है। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैग्नीफाइंग पावर की। भाई देखो कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है यार, इसने इमेज बनाई ए डैश बी डैश पहले बनाई थी वैसे ही, ये बस इसके फोकस पे, तो ये इसको कहाँ पे लेके चला गया, इन्फाइनेट पे लेके चला गया। बाकी लेबलिंग तो आपको पता ही है यार, इसको यू नॉट कहते हैं, इसको वी नॉट कहते हैं, ये यू ई है,
और इसको हमने उसमें भी उस डायग्राम में भी इसको कट करके यहाँ रखा था और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी कहा हुआ था जो कि वहाँ नीचे लिखी हुई थी, या मैंने ऊपर लिख ली। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखो, ये सेम वही है जो सिंपल में लिखी थी आपने। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज यानी बीटा एट आई प्लेस डेट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे है भाई, इन्फिनिटी टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और ऑब्जेक्ट के एंगल को आप कह दो अल्फा, क्या कह दो, एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट फिक्स है लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी एम का फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा, अभी इसको वापस इक्वेशन नंबर वन दे दो, पहले वाला डेरिवेशन भूल जाओ, ठीक है। ट्राइंगल दो दिख रहे हैं भाई, बीटा और अल्फा निकालना। देखो अल्फा आपको ऊपर वाले से निकालना है, ई ए डैश पी, ट्राइंगल ई ए डबल डैश पी दिख रहा है, आप अपनी कॉपी में बड़ा डायग्राम बना देना भाई, दो मिनट रोक देना वीडियो को, पहले डायग्राम ढंग से बना दो, आपको अपनी कॉपी को साथ साथ देखना है, ठीक है। तो ई ए डबल डैश पी वाला ये ट्राइंगल जो है, इससे टेन अल्फा निकालो, जो आप बहुत बार निकाल चुके हो, टेन अल्फा को आप अल्फा कह दो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए डबल डैश पी, और बेस कौन सा है भाई, ई ए डबल डैश, ए डबल डैश पी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है, हर बार लिख रहे हैं अपन, और ई ए डबल डैश इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। बीटा नीचे वाले ट्राइंगल से, अब ये रे इन्फाइनेट पे जा ही रही है यू, तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल छोटा सा ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है ई ए डैश बी डैश। थोड़ा डायग्राम छोटा हो गया इसलिए आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ यार, बाकी है नहीं कन्फ्यूजन, ई ए डैश बी डैश, इससे टेन बीटा निकाल रहा हूँ, टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर देखो नाम दो इसको, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, बेस बेस है ई ए डैश, और ये ए डैश पॉइंट और फोकस पॉइंट एफ, ये दोनों एक ही जगह है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी लिखा था हमने सेकंड केस में, देखना ये ए डैश पॉइंट और एफ ये फोकस पॉइंट भी है, ये ध्यान रखना, ये जो इमेज बनी ना ये फोकस पे ही है, इसके आई पीस के फोकस पे, तभी तो ये इन्फाइनेट पे गया है। तो मैं तो अभी इसको नाम दे रहा हूँ ई ए डैश, आप इसको चाहो तो ई एफ भी लिख सकते हो, ई एफ ई, तो ई ए डैश लिख रहा हूँ भाई मैं, ई ए डैश इक्वेशन नंबर थ्री, टू और थ्री रख दो वन में, पुटिंग इन वन, बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश ई ए डैश, और अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू ये रहा ए बी अपॉन ई ए डबल डैश, तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, चलो नहीं कटे अच्छी बात है, ए डैश बी डैश के अपॉन में ए बी पड़ा है, इसको ऊपर ले लो ई ए डबल डैश को, ई ए डैश, ठीक है। ये वाला जो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को एम नॉट कहा था हमने पहले पिछले लेक्चर में, इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसकी इमेज अपॉन इसका ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, पहले वाले लेंस की पिछले लेक्चर में कहा है हमने, इक्वेशन नंबर फोर दे दो। अब देखो सबकी वैल्यूज में बता देता हूँ, ये एम नॉट जो है वो होता है वी अपॉन यू होता है, वी तो इसका इधर की तरफ है, देखो वी इधर है और यू इधर है, तो वी तो पॉजिटिव और यू नेगेटिव, ये आ गया लो। ई ए डैश कितना, ई से ए डैश तक देखो, ये देखो भाई ई से ए डैश में, अभी मैंने बताया आपको ये फोकस पॉइंट है, तो ई से ए डैश तक ये फोकल लेंथ है एफ ई, ठीक है एफ ई है, लेकिन आपको ये जो डिस्टेंस है ये इधर की तरफ है, इस लेंस के इधर की तरफ है, तो इसको नेगेटिव लोगे। अब देखो यहाँ कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं, सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्मूले में आपने पॉजिटिव रखा था, वो लेंस फार्मूला था वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वो लेंस फार्मूला था, तो उसमें इसकी फोकल लेंथ काम आ रही थी तो वो रखी थी, या ये एज अ फोकल लेंथ काम नहीं आ रही, या ये डिस्टेंस काम आ रही है, और ये डिस्टेंस ई से इधर की तरफ काम आ रही है, देखो मैं क्या ले रहा हूँ ई ए डैश, तो ई ए डैश तो इधर है ना, अब कोइंसिडेंसली ये डिस्टेंस ई ए डैश फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है ना, तो ये एज अ डिस्टेंस काम आ रही है, अब वहाँ लेंस फार्मूले में एज अ फोकल लेंथ काम नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव लिखना भाई क्योंकि ये इधर है। और मुझे एक ये रह गई आपके ई ए डबल डैश बताओ कितना है, देखो ई ए डबल डैश ये दिख रहा है भाई, ई से ए डबल डैश तक ये ऊपर लिखा है मैंने डी है, और ये भी उधर की तरफ है इसलिए माइनस का डी, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो आप इस इक्वेशन नंबर फोर में।
पुटिंग इन फॉर एम नॉट की जगह तो आप रख दो ये माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है। और ई ए डबल डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस डी, ये माइनस डी, और ये कितना है भाई माइनस का एफ ई, ठीक है, माइनस माइनस कट गया है ना, तो एम का फॉर्मूला आ गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन एफ ई, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे देते हैं, फाइव दे देते हैं, क्लियर। और यहाँ पे मैं लेंथ अगर पूछा आपको, लेंथ कितनी है ट्यूब की, तो लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये वी नॉट है और प्लस यू ई। अब आप खुद इस डायग्राम में देखो कि यू ई किसके बराबर है, यू ई फोकस पॉइंट है, देखो एफ ई के बराबर है, एफ ई के बराबर है, तो यू ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ ई लिख सकते हो। ये हो गया ये इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा भाई, इसको प्लीज़ माइंड में रखें आप, क्लियर। वहाँ पे तो यू ई था और यहाँ पे यू ई इस केस में एफ ई के बराबर हो गया। अगेन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि एल अप्रोक्सीमेटली वी नॉट के बराबर होता है और वो यू नॉट जो है अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ एफ नॉट के बराबर होता है, सेम उसी की तरह। तो फिर ये इक्वेशन कैसा हो गया, फाइव माइनस एल, इसको एल कह दो या एल नॉट भी कह सकते हो भाई, एल और ये एफ नॉट हो गया और ये डी बाई एफ ई हो गया, ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट आ गया, क्लियर। तो ये दोनों केस कंप्लीट हो गया भाई। एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, डायग्राम भी हटा रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है, डायग्राम बनाते टाइम प्रॉपर एरो जरूर बनाएं आप, अदरवाइज नंबर कट जाएगा आपका, हाफ मार्क्स ध्यान रखना रूल है ये, क्लियर। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट केस में फॉर्मूला किया और सेकेंड केस में फॉर्मूला किया उसमें क्या डिफरेंस है, तो उन दोनों में वन का डिफरेंस है, कैसे मैं बता देता हूँ। उसमें जो फर्स्ट केस में जो मैग्नीफाइंग पावर थी, केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, ये लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट वाला और एट इन्फिनिटी वाला, इसमें लीस्ट डिस्टेंस के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर थी माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई थी, और इसमें जो ये मैग्नीफाइंग पावर थी इन्फाइनिट वाले केस में माइनस ये वाली कह दो या फिर ये वाली हो भाई, केस फर्स्ट और केस सेकंड, सॉरी, ठीक है, एट लीस्ट डिस्टेंस केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट ही है ये, केस केस क्या लिखूँ मैं आपको, मतलब दो फार्मूले हमारे पास, एक तो लीस्ट डिस्टेंस वाला, एक ये फार्मूला आया था और एक ये फार्मूला आया था, एल नॉट अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ये लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है केस फर्स्ट, ये दो फार्मूले आए थे। अच्छा, केस जो सेकेंड किया, जो इन्फाइनाइट वाला केस था, उसमें फार्मूला जो आया, अगर ये वाले फार्मूले की बात करूँ मैं जिसमें मैंने एल नहीं लिखा था, तो उसमें देखो आप वन नहीं आ रहा है, खाली वन हट गया, ये फार्मूला आया, आप देख लो केस नंबर सेकंड में, एक तो ये फार्मूला आया और वी की जगह आप एल लिखोगे तब ये फार्मूला आया, माइनस एल नॉट अपॉन एफ नॉट और डी अपॉन एफ ई। यानी कहने का मतलब केस फर्स्ट में जो फार्मूला आया और केस सेकंड में जो फार्मूला आया, उसमें केस फर्स्ट के फार्मूलों से अगर वन हटा दो, वन को नेग्लेक्ट कर दो, हटा दो आप, तो सेकंड केस का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड एक्सप्लेन वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, तो आपको पता ही नहीं कौन सा केस करे, फर्स्ट करे सेकंड, तो आप केस फर्स्ट पूरा डेराइव करेंगे, फिर केस सेकंड आपको पूरा डेराइव नहीं करना है, केस सेकंड का डायग्राम बनाओगे, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखोगे और फिर आप उसके बाद डायरेक्ट ये केस सेकंड के फॉर्मूले लिखोगे, अगर एग्जाम में प्रॉपर नाम से नहीं आता है। एग्जाम अगर प्रॉपर आता है इस तरीके से, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो कहा जाए अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी खाली केस फर्स्ट पूछ रहा है, तब आप खाली केस फर्स्ट का डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करें। क्वेश्चन कह दे कि भाई एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो आपको वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर आपको ये केस सेकंड वाला डेरिवेशन पूरा करना है भाई। लेकिन अगर नाम से नहीं आया तो केस फर्स्ट पूरा करना है और सेकंड के फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है। बड़ा बहुत होगा मुझे पता है, बड़ा होगा इसमें ऑब्वियसली, लेकिन आप इसको छोड़े नहीं भाई, क्लियर। तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, अब मैं आपको फटाफट कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक बार ये फार्मूला नज़र में डाल दो भाई, ये वाला फार्मूला मेरे को, इन दोनों फार्मूलों पे कुछ, ये दोनों ये लो या ये लो, ठीक है, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना। तो अभी फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं एक जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ, आप भले ये फार्मूला देखो या ये फार्मूला देखो, दोनों में जो एम के अपॉन में फोकल लेंथ, दोनों की अपॉन में आ रही है, इसकी फोकल लेंथ भी अपॉन में आ रही है और इसकी फोकल लेंथ भी क्या आ रही है, अपॉन में आ रही है, ठीक है। तो इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको।
तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने मान लो बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस पड़े हैं, और उन कॉन्वेक्स लेंस को या क्वेश्चन कुछ कॉन्वेक्स लेंस दे दे जिनकी फोकल लेंथ आपको अवेलेबल हो, तो आप कौन से दो लेंस प्रीफर करोगे कि जिससे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट हो जाए? यानी कौन से दो लेंस लोगे जिसमें से एक को ऑब्जेक्टिव बना दोगे और एक को आईपीस बना दोगे? तो ऑब्वियसली ये किस बेस पे अपन डिसाइड करेंगे किसको ऑब्जेक्टिव बनाऊं और किसको आईपीस बनाऊं, ठीक है? तो देखो भाई, अगर एम का ये वाला फॉर्मूला देखना चाहो आप, ये वाला एल वाला, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे तो खाली मोटे तौर पे ये देखना है, ये फॉर्मूला है ना, या फिर ये वन नेग्लेक्ट कर लो भाई, ये वाला फॉर्मूला ले लो। तो कुल मिला के ये एम का ये फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा। तो इन फॉर्मूलों में मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि एम जो है वो इन्वर्सली प्रपोजल है एफ नॉट के भी, और ये इन्वर्सली प्रपोजल है एफ ई के भी। यानी ये तो डिसाइड हो गया कि फोकल लेंथ दोनों लेंस की जितनी कम होगी मैग्नीफाइंग उतनी पावर जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमें ऐसे लेंस, हमें बहुत सारे लेंस दे दे बोले, हमें 10 लेंस दे दिए, तो आप जो सबसे कम फोकल लेंथ वाले जो दो लेंस होंगे उनको लोगे, क्योंकि मुझे मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा करनी है, और मैग्नीफाइंग पावर हाई तब होगी जब दोनों की फोकल लेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट हो, कम हो, ठीक है ना। सो टू कंस्ट्रक्ट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी शुड प्रीफर कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज है ना, दो ही तो लोगे, ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ, स्मॉलर फोकल लेंथ, कम फोकल लेंथ के आपको कॉन्वेक्स लेंस प्रीफर करने हैं। अच्छा भैया, आपको फोकल लेंथ की जगह अगर पावर दे दी जाए तो आप सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, पढ़ा ना हमने, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। तो इस 1/f0 को मैं लिख लूँ पी नॉट ऑब्जेक्टिव की पावर, और 1/fe को मैं लिख लूँ पी आईपीएस की पावर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फोकल लेंथ के तो इन्वर्सली प्रपोजल है मैग्नीफाइंग पावर, और पावर के डायरेक्टली प्रपोजल है। तो अपन यूँ कहना चाहिए कि भाई ऐसे लेंस होने चाहिए जिनकी फोकल लेंथ तो स्मॉलर हो, और या फिर यूँ कह दो हायर पावर, पावर क्या होनी चाहिए एज पॉसिबल, जितना हो सके फोकल लेंथ जो है वो कम हो और पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो आपके चीज़ माइंड में रखनी। जैसे मैंने लेंस दे दिया L1, L2, L3, L4 लेंस दे दिए, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी 30 सेंटीमीटर है। मैं कहूँ मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है तो कौन से दो लेंस चाहिए, तो वो दो लेंस पकड़ने हैं जिनकी फोकल लेंथ सबसे छोटी होगी, क्योंकि फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रपोजल है। तो लेंस तो दो चूज़ करने ही पड़ेंगे, एक चूज़ करने से तो काम होगा नहीं, तो सबसे कम फोकल लेंथ के लेंस लेने। तो सबसे कम फोकल लेंथ का सबसे छोटा इसमें से एक तो ये है 5 वाला, और इससे जस्ट बड़ा एक 10 वाला है। तो मुझे दो लेंस लेने हैं L1 और L3 कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में। लेकिन अब हमारे सामने सवाल ये है कि किसको ऑब्जेक्टिव रखोगे और किसको आईपीस रखोगे? तो आप डायग्राम दिमाग में लाओ। डायग्राम में आपको बताया गया ऑब्जेक्टिव जो होता है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी होती है और आईपीस थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप दो लेंस ले लिए आपने, एक ये और एक ये, तो उसमें जिसकी दोनों में से, अब ये दो तो ले लिए हमने सेलेक्ट कर लिए, दोनों में से जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम है, सबसे कम इसकी है ना, उसको तो बनाओगे आप ऑब्जेक्टिव। क्या बनाओगे उसको? ऑब्जेक्टिव बनाओगे उसको, और इससे जस्ट ज़्यादा फोकल लेंथ वाले को आईपीस बनाओगे आप। क्या बनाओगे? आईपीस, ठीक है। और पावर में उल्टा होगा भाई, पावर के केस में उल्टा होगा। पावर के केस में इसकी फोकल लेंथ कम है, एफ स्मॉल है, तो इसकी पावर हाई होनी चाहिए भाई। पावर क्या होनी चाहिए? हाई। तो अभी मैं पावर पे भी एक बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट छोटी सी चीज़ लिखा देता हूँ आपको। तो भाई अब मेरे को ऑब्जेक्टिव कौन सा लेना है और मुझे आईपीएस कौन सा प्रीफर करना है। बट ये तो हो गया सिलेक्शन, फर्स्ट स्टेप तो हो गया सिलेक्शन, स्टेप फर्स्ट, मैंने दो लेंस तो प्रीफर कर दिए भाई। अब मुझे दो लेंस ले तो लिए मैंने, लेकिन स्टेप सेकेंड अभी भी मुझे ये पता नहीं चला कि किसको ऑब्जेक्टिव बनाऊं और किसको आईपीएस। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, ऑब्जेक्टिव किसको बनाओगे और आईपीएस किसको बनाओगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ और पावर जो है वही डिसाइड करेगी आपके, है ना।
ऑब्जेक्टिव उसको बनाना है जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो, स्मॉलेस्ट, सबसे कम फोकल लेंथ होगी उसको ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब आपने दो लेंस सेलेक्ट कर लिए, दो में से जो सबसे छोटा होगा उसको तो आप बनाओगे ऑब्जेक्टिव, और इससे जस्ट बड़ा, कंपेरेटिवली ग्रेटर, इससे बड़ा हो, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे चार थे, बहुत चार लेंस दिए थे, उसमें से पहले दो सबसे छोटे छाड़ दो आप, सबसे छोटे लेंस फोकल लेंथ वाले छाड़ दिए, अब सबसे छोटे में जो सबसे छोटा होगा उसको तो कहोगे आप ऑब्जेक्टिव, और कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली ठीक है ना, कंपेरेटिवली ग्रेटर, कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा बड़ा फोकल लेंथ वाला होगा हमारा आईपीस होगा। और देखो अगर फोकल लेंथ सबसे छोटी है तो पावर सबसे ज्यादा होगी भी, पावर ग्रेटेस्ट होगी, ग्रेटेस्ट, और ये कंपेरेटिवली स्मॉलर होगी, कंपेरेटिवली है ना, कंपेरेटिवली इससे थोड़ी सी स्मॉल होगी, स्मॉलर। तो आप देखो मैं इस पे और इस पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। देखो हो सकता है आपको लगे कि यार इतना बड़ा सर क्या रामायण गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे, पर मैं आपको है ना ये बता देता हूँ, आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखो, आपको आपको हर टॉपिक पे जो बात की जा रही है वो आपको मिलेगा कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ, बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स बनती है, तो इसलिए आप इग्नोर नहीं करें। अब मैं इस पे भी बता रहा हूँ, इस पे भी बता रहा हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, है ना, ये चीज़ आपके लिखी हुई होनी चाहिए, ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप मिलके आपके सिलेक्शन का पर्पज़ होगा। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी भाई, जो मैंने नहीं लिखाई आप कहीं पे साइड में ब्रैकेट में लिख लेना, इग्नोर अपर्चर, अपर्चर यानी डायमीटर जो दिया जाए उसको इग्नोर करना है, उसका कोई लेंदा नहीं है यहाँ पे, हाँ बड़ा होना चाहिए अपर्चर, आईपीस का ऑब्जेक्टिव का अपर्चर थोड़ा कम होता है, बट ये डोमिनेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इसको नहीं देखना अपन को। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैं आपको दे रहा हूँ थ्री लेंसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और ये फोकल लेंथ लिख रहा हूँ मैं, और इधर मैं उनके अपर्चर लिख रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन ये है विच टू लेंस विल यू प्रीफर टू कंस्ट्रक्ट अ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, तो विच टू लेंस, और उसमें भी ये बताना है कि विच विल यू यूज एज ऑब्जेक्टिव एंड विच विल यू यूज एज आईपीस, ये हमें हमें बताना है, ठीक है। तो मैं आपको लेंस दे रहा हूँ भाई, एक की 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अपर्चर दे दिया, जैसे मान लो टू सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर, ठीक है, ये फोर सेंटीमीटर दे दिया, ये टू सेंटीमीटर दे दिया और ये सिक्स सेंटीमीटर दे दिया, ये अपर्चर है, क्लियर। अब भाई मुझे, ठीक है भाई, तो देखते हैं फिर। तो देखो मैंने आपको ये बता दिया, मैग्नीफाइंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ का केस दिया हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट है, सबसे छोटे लेंस सेलेक्ट करो आप, सबसे छोटे लेंस, सबसे कम फोकल लेंथ वाले लेंस प्रीफर करना है, ये अभी मैंने लैंग्वेज में लिखा है स्मॉलेस्ट। सो सबसे कम सबसे छोटा एक तो मेरे पास ये रहा L2, ठीक है, ये L2 प्रीफर करना है, और इससे जस्ट बड़ा है L1, तो मुझे दो लेंस तो सेलेक्ट हो गए भाई, L1 एंड L2, ठीक है। अब L1 और L2 में से किसको मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊं और किसको आईपीस बनाऊं, तो अभी जस्ट आपके सामने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने रफ कर दिया, उसको करना नहीं चाहिए था मुझे। स्टेप सेकंड मैंने यहाँ लिखा था, ऑब्जेक्टिव उसको बनाना है, ऑब्जेक्टिव उसको बनाना है जिसकी फोकल लेंथ सबसे छोटी हो, स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटी फोकल लेंथ इन दोनों में से किस, अब इन दो को, तीसरे को भूल जाना भाई, इसको भूल गया मैं, हटा दिया इसको। अब इन दोनों में से जो सबसे छोटा है उसको आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, सबसे छोटा कौन सा, L2, तो L2 को ऑब्जेक्टिव लेंगे। वाई, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वाई, तो बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बारे में बात करनी है, स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ, और फिर इससे जस्ट दूसरा कौन सा बच गया, L1 को तो मैंने ये L2 को तो एज ए ऑब्जेक्टिव ले लिया, और फिर ये मेरे पास आईपीस कौन रह जाएगा, L1 रह जाएगा, ये इससे कंपेरेटिवली जो है ग्रेटर फोकल लेंथ है, बिकॉज इट हैज ग्रेटर फोकल लेंथ, देन ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। ग्रेटर मतलब सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, होने तो दोनों छोटे फोकल लेंथ के चाहिए, पर ऑब्जेक्टिव से बड़ा। अच्छा ये क्वेश्चन फोकल लेंथ की जगह अगर आपको पावर दे दे फिर क्या करते हैं आप देखना,
पावर कर दूं मैं इनको, डायोप्टर में लगा देता हूं पावर, ठीक है। अब आप किस लेंस को प्रिफर करो, इस अपर्चर को देखना ही नहीं आपको, अपर्चर वहां काम आएगा टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। अब मुझे दो लेंस प्रिफर करने हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ नॉट और एफ ई के, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट और पी ई के, यानी पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट, पावर के हिसाब से सिलेक्शन करना है तो उल्टा है, पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा पावर वाले तीन लेंस, दो लेंस देखो भाई, तो एक तो इसकी पावर ज़्यादा है L3 की, और इसके जस्ट कम वाला है L1, और सबसे कम पावर वाला ये, इसको हटा दो कोई मतलब ही नहीं, इस बार L2 हट जाएगा। तो अपन ने दो लेंस का सिलेक्शन तो कर दिया, एक तो L1 है और एक L3 है। अब आप देखना, मैंने यह कॉलम बनाया था पावर का, कि पावर में ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि फोकल लेंथ सबसे कम तो पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वाला पावर L3 है, तो L3 जो होगा वो एज ऑब्जेक्टिव होगा, बिकॉज इट हैज़ ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर। और दूसरा लेंस कौन सा भाई, L1, L1 जो है वो आपके होगा एज आईपीस, उस केस में भी L1 ही था, आईपीस बीच वाला यही था लेंस, ठीक है ना। तो आईपीस जो होगा वो L1, बिकॉज इट हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर पावर देन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इससे रिलेटेड, आपको ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे किसी बुक में, आप देखना। तो अब मैं नेक्स्ट जो है भाई, एक दो क्वेश्चन करा लेता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसको रफ करता हूँ। तो बच्चों, अब मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आप उन न्यूमेरिकल्स को कैसे करोगे, है ना। तो बोर्ड तो एक बार मैंने साफ कर दिया बहुत अच्छे से। देखो, न्यूमेरिकल्स करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, पैटर्न, फिक्स पैटर्न पकड़ लो आप, इसमें कोई ज़्यादा उलझन नहीं है। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के ऊपर, तो हमारे लिए एडवांटेज है भाई। तो क्या पैटर्न क्या पकड़ना हमें, देखो आप, तो एक तो फार्मूला आप दिमाग में रखो। आप देखो, आपको मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ये तीन फार्मूले हैं, ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखो, तीन फार्मूले हैं आपके पास, एक तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या है, एम का फॉर्मूला माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, या ये निकालनी होगी 1+D/FE, ये फाइंड आउट करनी है अपन को, क्लियर। ये आपको फाइंड आउट करनी है, मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये फाइंड आउट करनी, देखो आपके सामने तीन फार्मूले होंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तीन फार्मूलों में एक तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये लेंस फार्मूला आएगा, 1/V0 - 1/U0 = 1/F0, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला जो आएगा, लेंथ का फॉर्मूला होगा, जो होता है V0 + UE, और एक तीसरा फॉर्मूला जो होगा आई पीस का होगा भी, 1/VE - 1/UE = 1/FE। और ये केस फर्स्ट में VE जो होगा वो लीस्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये आपको खुद को रखना है भाई, -D के इक्वल, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये पकड़ लेता है कि भाई मुझे जो न्यूमेरिकल करने हैं वो इनमें से ही होंगे, हालांकि एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये भी फॉर्मूला काम आएगा M0 × ME वाला, पर इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये मेडिटर है, इसको मैंने बीच में लिखा है, ये मेडिटर होगा, यानी क्वेश्चन के अंदर या तो आपको लेंथ दी जाएगी या लेंथ पूछी जाएगी। जैसे मान लो आपको लेंथ दे दी गई है, तो आपको लेंथ दे दी जाएगी, तो लेंथ दे दी जाएगी तो आपको ये लेंथ के साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू नॉट भी मान लो दे दी गई आपको, ठीक है, या फिर यू नॉट आपको निकालना है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यू नॉट निकालना और लेंथ दे दी गई है, तो आपको क्या करना है कि पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना भाई। देखो आप समझो चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप इधर से उधर पहुंच रहा हूं मैं, कैसे। आपको लेंथ दे दी गई है, आपको पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना, VE मुझे पता है D के इक्वल है, फोकल लेंथ आपको अवेलेबल होगी दोनों लेंस की, क्वेश्चन दे देगा एफ नॉट और एफ ई हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो एफ ई आपके पास होगा, VE है ही हमें पता है, UE आ जाएगा आपके पास, UE यहाँ रख दो, UE लेंथ भी दी हुई, और V0 आपके पास निकल जाएगा यहाँ से आप जैसे V0 निकालोगे वहाँ रख देना V0 है, F0 है, U0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए, ऐसे शिफ्ट होना, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पूछे पावर, तो V0 आप निकाल ही रहे हो यहाँ से, U0 आप यहाँ से निकाल ही रहे हो, फॉर्मूले वैल्यू रख दो आप, है ना। एक पैटर्न ये होगा। दूसरा हो सकता है U0 आपको दे दे और लेंथ पूछ ले, निकालनी हो। देखो क्वेश्चन मतलब इन तीन के बीच में घूमेंगे आपस में, ठीक है। ये ऐसे पैटर्न कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा भाई, इसलिए आप है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार समझ ले। रेडीमेड सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, बस फिर आपकी मेहनत करनी है।
दूसरा एक आपसे हो सकता है, जैसे अभी मैंने कहा यू नॉट पूछे आपको, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपसे लेंथ पूछ ले, तो लेंथ पूछेगा आपको, तो अब आपको फिर लेंथ अगर ये पूछ रहा है तो लेंथ के लिए तो मुझे एक वी नॉट की ज़रूरत है और एक यू ई की ज़रूरत है। तो यू नॉट आपको देगा इस बार, यू नॉट ये देगा आपको, तो यू नॉट देगा तो फिर आप वी नॉट निकाल दोगे इस फॉर्मूले से। ये लो वी नॉट तो आ गया मेरे पास, आ गया। और इस फॉर्मूले से तो हमेशा हमें यू ई मिलेगा, ये तो यू ई ही देगा, तो यू ई भी आ जाएगा, तो दोनों आ गए, तो लेंथ निकाल लेंगे, है ना। तो कोई मेरे ख्याल से कोई यार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इन फॉर्मूलों में। इधर से कई बार इधर से इधर शिफ्ट होके यू नॉट पूछा जाएगा, कई बार ये और ये मिला करके लेंथ पूछी जा सकती है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो वी नॉट और यू नॉट दोनों की जरूरत पड़ेगी। यू नॉट क्वेश्चन अगर दे देता है तो वी नॉट यहाँ से निकालो लेंथ से। लेंथ तो आपको देगा ही देगा क्वेश्चन, क्योंकि वी नॉट जो है इन दोनों के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो आप भाई इस ट्रिक को पकड़ लो और ये आप अपनी लैंग्वेज से जैसे लिखना है आप वैसे लिखो आप। बाकी मेरे ख्याल से तो इन तीन फॉर्मूलों के बीच में आपका पूरा घूमेगा सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, दो अपन तीन क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, फिर अपना ये लेक्चर फिनिश, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, फिर सीधा टेलीस्कोप शुरू होगा, ठीक है। लेकिन तीन न्यूमेरिकल करने भी जरूरी है ताकि अपन टॉपिक को समझ पाए। अब बच्चों टाइम खराब नहीं करते, अपन क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये लो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे दी 4 सेंटीमीटर, आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फटाफट करना है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई भाई 10 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव लेना है। मैंने कहा था ना यू दे दिया आपको बीच तीनों में से कोई एक चीज़, वो पहले वाला नोट कर लेना भाई और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से 10 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एक तो मैग्नीफाइंग पावर एम निकालनी है, अब एम निकाले कैसे, एम का फॉर्मूला है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 + DA/FE। तो यू नॉट तो दे दिया पर वी नॉट है क्या, वी नॉट नहीं है आपके पास, वी नॉट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई पहला स्टेप फर्स्ट वही होगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, देखो फटाफट कर देते हैं अपन फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, एक तो व्हेन ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज जो है नियर पॉइंट पे है तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, दूसरा कह रहा है कि आपको लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो लो भी फॉर्मूला अभी बताया आपको, बस वही स्टेप फॉलो करना है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को, बचा के रखना दिमाग। तो 1 upon V0 मुझे नहीं पता लो, और U कितना है भाई, यू नॉट कितना है -10, F कितना है F0, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले लो 1 upon V0 = 1/4 - 1/10 V0, ठीक है। ये अपने 10 LCM आ जाएगा भाई, 10 LCM ले लो, 20 LCM आ जाएगा, तो ये 4 का डिवाइड हो जाएगा 5 और माइनस 10 का डिवाइड हो गया 2, तो 3/20, इसको उल्टा कर दो वी नॉट को तो 20/3, ये लो वी नॉट आ गया आपके पास, ठीक है, हो गया वी नॉट। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालो, रफ कर लेता हूँ, है ना। मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला था माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 + D/FE, ठीक है भाई, मैं सब वैल्यू रख रहा हूँ देखना। ये वैल्यूज आपको बिना साइन रखने पे, बिना साइन कन्वेंशन के, आप चाहो तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलस भी लगा सकता था, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर कन्फ्यूज होते हो तो, ये मॉड्यूलस लगा देना है ना। ये वैल्यूज आपको बिना साइन के रखनी है। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट की वैल्यू भी बताओ, वी नॉट कितना है 20/3, ठीक है, हटाओ मॉड्यूलस, अपन को साइन के साथ नहीं रखनी है। यू नॉट की वैल्यू कितनी है 10, -10 है, पर माइनस में नहीं रखनी है भाई आपको, मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव में आएगी आपके आंसर। 1 + D की जगह 25 और F फोकल लेंथ कितनी, आई पीस की 10, ये डिवाइड हो गया 2, ये -2/3, 10 LCM, ये डिवाइड हो जाएगा 5/2, 2 LCM हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कट गया -7/3, 7/3 ये डिवाइड कर दो भाई तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.66 आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ शुरू, ये वाला, ये मैं भाई रिमाइंड करवा देता हूँ, ये जो फोकल ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है इसमें वी यू की सबकी वैल्यू जो है बिना साइन, सबकी वैल्यू बिना साइन के रखनी है, आंसर में ऑलरेडी नेगेटिव आएगी मैग्नीफाइंग पावर। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ तो लेंथ का फिक्स फॉर्मूला है वी नॉट और प्लस यू ई, ये लो यू ई कहाँ है हमारे पास, यू ई तो निकालना पड़ेगा, तो लो। अब मैं ना आई पीस के लिए बी पार्ट कर रहा हूँ भाई इसका, तो लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा फॉर आई पीस,
मैंने बताया था ना आपको, तीन फॉर्मूले लिखाए थे कि तीनों आपस में एक कोई ना कोई यूज़ आता रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला यूज़ आ गया ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला आ गया, अब आईपीएस के लिए लेंस फार्मूला काम आएगा, तभी तो लेंथ आएगी। और आप लेंथ काम में भी लोगे तो आप अटक जाओगे। जैसे वी नॉट तो आ गया मेरे पास, पर यू ई कहाँ है, तो यू ई निकालो। तो ये इसके लिए फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। वी की जगह आप यहाँ पे साइन के साथ वैल्यू रखनी पड़ी, क्योंकि ये फार्मूला लगा रहे हैं, लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूले में तो बिना साइन थोड़ी रखनी है। हाँ, मैग्नीफाइंग के पावर के फार्मूले में साइन के साथ वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन से निकाला हुआ है। तो वी की वैल्यू है माइनस का डी होती है भाई, यू ई मुझे नहीं पता, और एफ ई जो है अभी रखते हैं, चलो तो लो रखो भाई। माइनस डी की वैल्यू 25, यू मुझे नहीं पता, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ था मैंने साफ कर दिया, फोकल लेंथ है इसकी आईपीएस की 10 सेंटीमीटर, इसको उधर ले लो भाई। माइनस का यू ई ये 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 50, ये डिवाइड हो गया 5 + 2 = 7 हो गया, इसको उल्टा कर दो तो -50/7 आ गया, ये यू ई भी आ गया आपके पास। अब यू ई आ गया तो फिर अब लेंथ निकाल दो, बस हो गया काम खत्म। लेंथ का फॉर्मूला होता है वी नॉट प्लस यू ई, तो वी नॉट तो मेरा आया था 20/3, और ये कितना आया, साइन के साथ नहीं रखनी, बिना साइन रखनी है 50/7, ठीक है। तो आप एलसीएम लेकर के जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके 13.81 आ जाएगा, 13.81, या सीधे डिवाइड करके ऐड कर देना, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो पैटर्न बताया उसी पे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ देखना, जिसमें लेंथ आपको गिवन होगी। अब बच्चों अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहे, ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, देख लेना आप एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ बुक के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर, क्लियर। और ऑब्जेक्टिव और आईपीस आपस में सेपरेटेड है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस को अपन कहते हैं लेंथ, तो लेंथ आपको दी हुई 15 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए, यानी यू पूछ रहा है आपसे, बट इसमें दो दो सिचुएशन पूछ रहा है। एक बार जब फाइनल इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी फर्स्ट केस है, और एक आपसे कह रहा है फाइनल इमेज बने एट इन्फिनिटी, और दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड आउट करनी है, आल्सो फाइंड एम इन बोथ केसेस, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, बिना टाइम खराब किए। तो जो डाटा अवेलेबल है वो तो अवेलेबल ही ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर। और इस बार मेरे को यू नॉट निकालना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है ऑब्जेक्टिव से, तो यू नॉट निकालना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया उसमें यू नॉट अवेलेबल था भाई आप लोगों को, ठीक है। तो पहले यू नॉट निकालना है, लेंथ दी हुई है आपको, तो और पहले भाई आईपीएस, मैंने वो तीन फॉर्मूले बताए ना आपको, तीन और तीन केस लिखा है, तीन सिचुएशन, तीन फॉर्मूले लिखाए थे, तीन में से आपको खुद को दिमाग लगाना है मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। जैसे मैंने तीन फॉर्मूले लगाए हैं, तीनों में से आप कोई भी लगाओगे और लग रहा है आपको अटक रहे हो तो छोड़ दो उसको, अगला वाला लगाओ, उसमें अटक रहे हो तो उसको छोड़ दो। जैसे मैं पहले अगर ये लगाऊं 1/v0 - 1/u0 और 1/f0 वाला ऑब्जेक्टिव के लिए, तीन फॉर्मूले लिखाए थे जब अभी ये न्यूमेरिकल शुरू करवाए उससे पहले, ये लगाऊंगा मैं तो यू नॉट तो मुझे निकालना है, और वी नॉट भी नहीं दिया मुझे, तो दो दो चीज़ें एक साथ कैसे निकलेगी, ये कट हो गया। फिर लेंथ वाला फॉर्मूला अगर मैं काम में लूँ वी नॉट प्लस यू ई, तो वी नॉट नहीं दिया यू ई भी नहीं दिया है, तो भी ये फॉर्मूला कट हो गया, तो एक ही रहता है लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस। V1/V0 - 1/u0 = 1/ve, 1/ve, 1/fe, ठीक है। और वैल्यूज रख लेता हूँ भाई, ve आपको बताया गया फिक्स कि d के इक्वल रखना है, माइनस डी रखो, माइनस डी माइनस यू ई और 1/fe, ठीक है। डी की जगह 25, यू मुझे नहीं पता है, और एफ ई जो है दिया हुआ है भाई, एफ ई दिया हुआ है 6.25।
अब देखो इतनी मेहनत आप कर लेना यार, इसको उधर भेजोगे सॉल्व, ये चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब क्या है कि अभी आप हो इतनी मेहनत होती नहीं, आदत पड़ी नहीं, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपकी मेहनत करने। इसको उधर भेज देता हूँ, 25 पॉइंट हटाओगे 100, 25 से डिवाइड करोगे 4, 25 से डिवाइड करोगे 25, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 से 5 तो यू ई हो गया भाई माइनस का 5 सेंटीमीटर। क्लियर, यू ई तो आ गया, यू ई आ गया। तो अब लेंथ बताओ क्या है, सेकेंड फार्मूला काम आएगा, बस लेंथ ट्यूब की है वी नॉट प्लस यू ई। कितनी दी है लेंथ आपको क्वेश्चन ने, लेंथ दी हुई 15 सेंटीमीटर, वी नॉट मुझे नहीं पता है, यू ई कितना दिया हुआ है, साइन हटा के रखना है या वैल्यू, मॉड्यूलस का मतलब ये 5, इसको उधर भेज दो, वी नॉट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और वी नॉट हमें प्लस का ही लेना है, फॉर्मूले में रखते हैं तब आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जेक्ट होता है इधर और इमेज होती है इधर, वी नॉट आ गया भाई। बस अब अपने तीसरा वाला फार्मूला लग जाएगा, लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, नोट करते रहना मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/V0 - 1/U0 = 1/F0, वैल्यू रखो भाई, ठीक है, तो वैल्यू रखो भाई, 1/V0 नहीं है हमारे पास, यू नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट है हमारे पास 10, यू नॉट नहीं है, और एफ नॉट कितना, एफ नॉट दिया हुआ है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार इन क्वेश्चंस में, तो इसको चलो -1/U0 को इधर ले लो, 1/2 ये 1/10, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 1 4 हो गए, 2/5 फिर उल्टा कर दो तो 5 - 5/2 ये माइनस इधर भेज दिया भाई, तो -2.5 सेंटीमीटर हो गया, हो गया कंप्लीट। लेकिन ये जो मैंने पूरा डेरिवेशन किया है ये फर्स्ट केस के लिए किया मैंने, जब इमेज जो है कहाँ पर बने, लीस्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने जो लेंस फार्मूला लगाया था उसमें वी ई की जगह डी रखा है। अगर सेकंड केस हो जिसमें फाइनल इमेज इन्फाइनिट पर बने तब आप यू नॉट कैसे निकालोगे, तो देखना भाई उसको भी, इसमें सेकंड केस में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने निकाल दिया यू की वैल्यू जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बने, यू एक आंसर आ गया है। सेकेंड केस कर रहा हूँ मैं, सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपको आंसर निकालना डायरेक्ट आप लेंथ काम में ले सकते हो। अब आप अपने नोट्स देखना कि सेकेंड केस में जब फाइनल इमेज इन्फाइनिट पे बने तो फार्मूला ये है लेंथ का, क्योंकि उसमें जो इमेज बनती है ए डैस बी डैस फर्स्ट लेंस है वो फोकस पे होती है सेकेंड वाले के। एल है कितना 15, वी नॉट मुझे नहीं पता, और एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ है 6.25, तो वी नॉट कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज करके माइनस कर दो भाई, ठीक है 8.75 सेंटीमीटर आ गया, और ये प्लस का ही होगा। क्लियर, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है वी नॉट मेरे पास आ गया, और मैं वापस यू नॉट निकालना, तो लेंस फार्मूला लगा दो फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ये लिखो आप फिर इसके आगे सीधा, ये लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, ये लिखा ये हटाओ, 1/V0 की वैल्यू है 8.75, यू नॉट मुझे नहीं पता, और 1/F0 कितना फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, सॉल्व करो और यू नॉट निकालो आप, तो यू नॉट आप जब निकलोगे सॉल्व करोगे तो यू नॉट की वैल्यू जो आएगी -2.59 आएगी, हो गया। अब तीसरी चीज हमसे क्या पूछी भाई, मैग्नीफाइंग पावर भी निकालो, पावर तो फर्स्ट केस में फॉर्मूला होता है -V0/U0 1+D/FE। फर्स्ट केस के अंदर वी नॉट कितना है, वी नॉट, अब आप देखो पीछे से क्वेश्चन, आप अपना पेज पलटो, अगर आपने साथ साथ लिखा है कि वी नॉट कितना आया था, मेरे ख्याल से 10 आया था वी नॉट, और यू नॉट आपके कितना आया था, तो यू नॉट जो है मैंने निकाला था 5/2 आया था, है ना 2.5 आया था, ठीक है, और वो बिना साइन रखना भाई, साइन के साथ वैल्यू नहीं रखनी वी नॉट यू नॉट की, और डी की जगह 25 और फोकल लेंथ आई पीस की 6.25, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आएगी, और ये जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी आपके 20 आ जाएगी, कितनी आएगी 20, अब आप सॉल्व करना खुद देखना 20 आएगी, ठीक है, और फिर सेकेंड केस में भी निकाल दो। सेकेंड केस में ये फॉर्मूला होता है, सेकेंड केस में डी नॉट की वैल्यू है 8.75, वी नॉट की वैल्यू, यू नॉट की वैल्यू है 2.59 ये लिखा हुआ है, और डी की जगह 25 और एफ जो है वो 6.25, सॉल्व करो आप, और इस केस में भी आप एम निकालो
तो जो m की वैल्यू आएगी वो आपके आएगी 13.5 माइनस के, m का कोई साइन नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब अपन एक जस्ट एक दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें वो वाला फार्मूला काम आएगा, कैपिटल F इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। ये रफ कर लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए होंगे मुझे पता है, बट इसके बाद लास्ट टेलीस्कोप रहा है, ठीक है? आराम से साल भर पढ़ा है, धीरे 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 इस चैप्टर को पढ़ना, आप टाइम देना। आगे वाले चैप्टर्स थोड़े मतलब ये भी हार्ड तो था नहीं लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ था इसलिए आप परेशान हो गए हो। और अपन यूँ माने एक तरीके से कि 15% अपना कोर्स हो गया है ना, ये चैप्टर अपने आप में इतना लेंथ चैप्टर था बिल्कुल। इसमें कम्प्लीटली अपने हर साल सिचुएशन है, इसमें एक महीना लगता है अपन को, ठीक है? तो अब अपन एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है? दी टोटल, अच्छा ये क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, पहले एक बार जो भी दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, बाकी है जो आपको पिछला पैटर्न बताया उसी तरह का है। दी टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, टोटल मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है 20। दी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड आई पीस अलॉन्ग अलॉन है ना, अकेला अकेला आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन है वो 5 है, यानी आई पीस के अकेले मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m लिखेंगे, स्मॉल m ही, और वो है हमारे पास 5, ठीक है ना। दी माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन सर्टन ऑब्जेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 14 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम लेंथ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, एफ नॉट और एफ ई फाइंड आउट करना है, एक तो एफ नॉट और एक एफ ई फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। इस बार इस क्वेश्चन में एम ई भी दे दिया तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है? तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। पहले तो आपको ये पता है कि आई पीस का, अच्छा इसमें लीस्ट डिस्टेंस 20 नहीं दी है, मतलब 25 नहीं दी हुई, 20 सेंटीमीटर दी हुई, क्लियर? तो आपको पता है भाई आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन वी ई अपॉन यू ई होता है, और ये हमें दिया हुआ 5। वी ई जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है 20 सेंटीमीटर, वी ई की वैल्यू आपको पता ही है कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है इस केस में जब निक आ जाए, तो डी की वैल्यू 20 और डी हम नेगेटिव लेंगे भाई इधर की तरफ, इसलिए है ना आपको वी की वैल्यू पता है कि डी के इक्वल होती है और माइनस की होती है, तो मैं वी ई की जगह माइनस डी रखूँगा और डी की वैल्यू है -20, यू ई इक्वल टू 5, 5 को नीचे भेज दो और 20 में डिवाइड कर दो तो 4 आ गया, यू ई आपके पास आ गया माइनस का 4 सेंटीमीटर। इससे मैं क्या करूँगा, आई पीस के लिए लेंस फार्मूला लगाऊंगा, क्या फार्मूला है, 1 upon VE - 1 upon UE = 1 upon FE। 1 upon VE कितना है, VE तो मतलब ये अभी मैंने लिखा माइनस डी, यू ई भी मेरे पास आ गया माइनस का 4, और एफ ई मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन में एफ ई तो निकालना है। डी की जगह मैं वैल्यू रख लेता हूँ भाई, डी कितना है, डी की वैल्यू 20 है तो डी की जगह आप रख दो 20 यहीं पे, साथ ही साथ रख दो आप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, या एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 20 ये तो हो गया -1 प्लस इसका डिवाइड हो गया 5 = 1/FE, ये 5 में से 1 गया तो 4 का 20 में डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, और उल्टा करोगे तो 5 सेंटीमीटर। तो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है? अब हमने आई पीस की फोकल लेंथ तो कैलकुलेट कर ली इस क्वेश्चन के अंदर, आई पी एस की फोकल लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब मैं ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना आप, क्लियर? अब देखो बच्चों, अपन ने यू ई अभी जस्ट निकाला है 4, अभी मैंने ये रफ कर लिया है, अब देखना यहाँ यू ई निकला था 4 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है? और लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं वी नॉट आराम से निकाल दूंगा। कैसे, लेंथ का फॉर्मूला है वी नॉट प्लस यू ई, तो एल की वैल्यू है 14, वी नॉट मुझे नहीं पता, और U की वैल्यू बिना साइन के रखनी है आपको 4, ये माइनस कर दो तो V नॉट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है? V नॉट आ गया। अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला नहीं लगाऊंगा, एक्चुअली लेंस फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास U नॉट नहीं पड़ा है, तो अब मैं ना, ठीक है भाई, अब कैपिटल M का जो फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला मैंने कहा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी और यह पड़ गई है, एम की वैल्यू 20 दी हुई है आप देख लो भाई, एम नॉट हमें नहीं पता और एम ई कितना दिया हुआ है, एम ई दिया हुआ 5, ये डिवाइड होकर के 4 आ जाएगा और एम नॉट अपने पास 4 आ गया, ठीक है? अब आपको देखो ये जो 4 आया हुआ है, पिछला फार्मूला लेंस के अंदर एक लीनियर मैग्नीफिकेशन करना है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई पिछले लेक्चर के अंदर, आप देखना लेंस के अंदर आपको करवाया गया लीनियर मैग्नीफिकेशन एम वी और एफ में रिलेशन, या एम नॉट है या वी नॉट हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी है 4, वी नॉट कितना है भाई देखो 10, और एफ मुझे नहीं पता, एफ मुझे नहीं पता, इसको उधर भेज दो 4 F0 -10 -F0, ये उधर चला जाएगा 5 F0 और F0 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है?
तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर जो है टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप का लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा, ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन बड़ा था। ठीक है, थैंक यू।